शपथ ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पवार ने शपथ ले ली है और देखिए नारेबाजी हो रही है कि अजीत पवार संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो महाराष्ट्र में पावर गेम बदल रहा है और उसकी एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा संडे सरप्राइज आपके सामने है। पवार की पार्टी भी मोदीमय हो गई है क्योंकि 54 में से 30 विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ राजभवन में मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि शिंदे सरकार की ताकत बढ़ी, एनडीए की ताकत बढ़ी, लेकिन एनसीपी का अब क्या होगा राजनीतिक भविष्य, शरद पवार का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, इन सब के बीच तस्वीरें देखिए। बधाई दे रहे राज्यपाल अजीत पवार को, मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें हम आपको मंच की दिखा रहे हैं और इन सबके बीच तमाम सियासत के नए समीकरण और सवाल भी सबके सामने। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री छगन चंद्रकांत